आज का ये आर्टिकल आपका परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में भारतीय जो विदेश नीति है इसके बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। और आपको पता होगा कि विदेश नीति भारत की आज से नहीं बनाई जा रही है, प्राचीन काल से ही आप देखते हैं कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही आपकी विदेश नीति पर जोर दिया जाता था। तो आज भी बात करेंगे हम लोग कि किस संदर्भ में भी बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात विदेश नीति का तात्पर्य क्या होता है, आखिर होती क्या है विदेश नीति, उस पर भी बात करेंगे। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, कोई काम करते हैं, कोई अगर संगठन बनाते हैं या और कुछ भी आप जिंदगी में कोई भी रास्ता चुनते हैं तो उसका उद्देश्य तो होता है कुछ, तो इसकी भारतीय विदेश नीति के भी उद्देश्य देखेंगे। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या है, और भारत की वर्तमान विदेश नीति की दिशा क्या है, और भारत की जो विदेश नीति है इसके सामने जो चुनौतियां हैं यानी कि समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे, उसमें आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देखेंगे। और आप भी अगर इस पर सुझाव देते हैं तो नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में पूरा विश्व स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के साथ ही विश्व व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों से जूझ रहा है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं, तो वहीं चीन इस वैश्विक संकट की घड़ी में भी अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। चीन की नीति विश्व राजनीति में अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालित है, जो दक्षिण एशिया में भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी से कोई भी विदेश का कोई भी विश्व का देश नहीं छूटा हुआ है, लगभग लगभग सभी इससे प्रभावित हैं, और कोरोना की वजह से बहुत बुरी तरह से अमेरिका की आप स्थिति देख लीजिए, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। भारत की स्थिति देख लीजिए, एक समय आपकी 7.4 7.5 विकास दर हुआ करती थी, आज हर रेटिंग एजेंसी आपकी बता रही है 1.5 से 2.5% तक बस, बहुत से बहुत। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितनी भयानक है, और फिर आप बाकी देख रहे हैं कि एक द्वितीय शीत युद्ध की तरह युद्ध भी शुरू हो चुका है अमेरिका और चीन के। देखते हैं कि अमेरिका के जो प्रधानमंत्री साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप, कभी वो बोल देते हैं कि चीन वायरस, कोरोना वायरस को वो अक्सर चीन वायरस कहते हैं, और वो कहते हैं कि चीन ने इसे फैलाया है, तो चीन पर दोषारोपण करते रहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी को ही देख लीजिए, नेपाल को, वो भी कह रहा है कि जो कोरोना वायरस है उससे खतरनाक वायरस इंडिया का है, मतलब हमें ही दोषी ठहराने लगा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, अभी हाल में ही चीन की जितने भी देशों से सीमा लगती है 13-14 सभी से इसकी अपना विरोध चल रहा है सीमा को लेकर, समझ रहे हैं? दक्षिण चीन सागर में आप देख सकते हैं, और हमारे यहाँ अक्साई चीन आपने देखा ही है किस तरह से हमारे यहाँ के 20 सैनिक जवान शहीद हो गए, आपके अरुणाचल प्रदेश पर पूरा कब्जा ठोके रहता है, और आपने देखा है कि भूटान पर भी। तो इस समय देखा जा रहा है कि बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है। चीन के उकसावे में ही नेपाल ने नए नक्शे को अपनाकर भारत के साथ सीमा विवाद को पुनर्जीवित कर दिया है। श्रीलंका चीन के ऋण जाल में फंसा हुआ है और चीन पर निर्भर हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बाद भारत के प्रति बांग्लादेश के रूप में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। वर्तमान में अफगानिस्तान के एक बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, और भारत का बहुदलीय वार्ता से बाहर होना चिंता का विषय है। पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी अति आवश्यक है। पश्चिम एशिया में ईरान में भी भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास में की जा रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई है। एक बार आपको मैप्स में ले चलता हूं मैं, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ ये स्थिति बनी हुई है कि श्रीलंका को इतना ऋण दे चुका है चाइना कि एक तरह से आपने देखा होगा साहूकारों को कि वो क्या किया करते थे कि किसानों को इतना ऋण दे देते थे कि वो ऋण का ब्याज चुकाने के लिए भी किसान साहूकार पर ही डिपेंड रहने लगते थे, निर्भर रहने लगते थे। उसके बाद कुछ समय बाद उनकी किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी,
उनकी जमीन छुड़ा ली जाती थी, उनके बच्चों को गिरवी रख लिया जाता था। और आप सोचिए, अगर आप पर किसी का इतना ऋण हो जाए कि आप उसे चुकाने की स्थिति में ना हो, तो आप उसके सामने आवाज नहीं उठा सकते। तो यही चीन का हाल हुआ और यही पाकिस्तान का हाल उसने किया, ये पाकिस्तान। और अफगानिस्तान में आपने देखा है कि अभी जो अमेरिका और बाकी समूहों के बीच समझौता हुआ है, पूरी तरह से अफगानिस्तान में शांति नहीं हुई। आपको पता है किस तरह से अमेरिका झुक गया है, फिर चाहे ईरान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए। तो जैसे ही अमेरिका हटा, चीन ने वहां भी दबदबा अपना ठोक दिया। पाकिस्तान पर आप देखते हैं कि पूरी तरह से कब्जा किए हुए चीन। उसके बाद आप भूटान पर भी देखा है आपने कि यहाँ भी ठोकने लगा है अपना दावा। नेपाल नेपाल चाइना की भाषा बोलने लगा है, कुछ दिन से आप देख भी रहे होंगे किस तरह से हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है। बांग्लादेश आपका जैसे ही जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने मतलब बाहर करने की बात की जा रही है जो हमारे यहाँ शरणार्थी आए हुए हैं, घुसपैठिए हैं, तो उसको लेकर बांग्लादेश से भी हमारी बुराई चलने लगी है। अब ईरान की बात करें यार हम लोग, तो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अगर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान इस तरफ हमें जाना है, तो या तो आप पीओके वाले हिस्से से जा सकते थे, हमारी सीमा पीओके वाले हिस्से की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ कि हमारा जो पीओके वाला हिस्सा था ये पाकिस्तान के कब्जे में, तो यहाँ से रास्ते बंद हो जाते हैं। चाइना से हमारी ऑलरेडी रास्ते खराब चल रहे हैं, तो यहाँ से भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ एक चाबहार बंदरगाह बना ईरान में, यहाँ से कनेक्टिविटी अफगानिस्तान बाकी देशों में यहाँ होती रहती। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हाल में ही क्या किया ईरान ने कि अब चाइना से समझौता करके चाबहार बंदरगाह तो हम लोगों ने बना लिया, बाकी परियोजनाएं उससे संबंध जुड़ी हुई थी उसे उसने चाइना और ईरान मिलकर बनाने लगे। ईरान कह रहा है कि हम खुद कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ईरान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि खुद अपने आप इन परियोजनाओं को पूरा कर ले। तो आप देखिए कि इनडायरेक्ट चाइना ने उसे सपोर्ट कर दिया है। तो आप अभी भयानक स्थिति देख सकते हैं हमारे नेपाल से, देख सकिए एक समय नेपाल से हमारे रिश्ते इतने हुआ करते थे अच्छे, पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड है नेपाल, और आज के समय में देखिए कि नेपाल भी अपना मुंह खोलने लगा है। विदेश नीति से आपका आखिर तात्पर्य क्या है? विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। वह कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का कौशल है। किसी भी देश की विदेश नीति का घरेलू विकास, घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या फिर व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित होता है। शुरुआत के दिनों में यह माना गया कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों, भू राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों ने यह भी माना कि विदेशी नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को यह एक बात बताऊं, देखिए विदेशी नीति मतलब आपके संबंध एक तरह से बाहरी दुनिया से कैसे हैं, उन्हीं को आप लोग विदेश नीति मतलब कह देते हैं। 2014 में आपने देखा है कि हमारे देश में सरकार बदली, उसके बाद से 2015 में आपने देखा है काफी समय तक किस तरह से हमारे रिश्ते सुधरते गए, चाइना से भी हमारे रिश्ते सुधरने लगे। मोदी साहब की 2 बार आपने देखा है मीटिंग भी हुई चीनी राष्ट्रपति से, बाकी आपने देखा है पाकिस्तान से भी रिश्ते हमारे सुधरने की कगार पर थे, श्रीलंका से देख लीजिए, बांग्लादेश से देख लीजिए, म्यांमार, भूटान, सभी देशों से, बाहरी देशों से भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा है कि किस तरह से अब रिश्ते हमारे खराब होने लगे हैं। तो किसी ना किसी तरह से हमारी जो भी सरकार है उसकी नीतियों में खामियां दिखाई दे रही हैं। और एक बात आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले अधिकतर मुस्लिम राष्ट्रों ने हमारा साथ दिया था जम्मू कश्मीर के मामले पर, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये नागरिकता संशोधन अधिनियम लाए, इसके बाद आपने देखा है कि मुस्लिम राष्ट्र भी हमारा विरोध करने लगे हैं। तो एक बात आपसे हमेशा से बोलता आया हूं कि अगर हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें एकता से बढ़ना होगा, फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो,
कोई भी समूह हो, सबको एक गांठ में बांध के चलना होगा एक साथ। आप सोचें किसी के साथ अत्याचार करें, किसी को मतलब नीचा दिखाएं, तो क्या होगा कि इसकी इससे क्या होती है, हमारे देश की छवि खराब होती है और बाहरी दुनिया में हमारे प्रति नकारात्मक भाव पैदा होता है। तो यही हो रहा है इस वक्त। अब अफगानिस्तान देख सकते हैं आप लोग, और सबसे बड़ी बात बांग्लादेश को आप देखिए, वरना बांग्लादेश से हम लोगों ने सभी समझौते मतलब सभी जो भी विवाद थे सुलझा लिए थे, अब यही विवाद बना हुआ है और इसी का फायदा आपका चीन उठाता है। अब बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। किसी भी अन्य देश के समान ही भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत के परिपेक्ष में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वित्तीय सहायता और तकनीकी की जरूरत होगी। उल्लेखनीय है कि हाल के कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफी ध्यान भी दिया है। एक बात और आपको यहाँ बता देता हूँ कि याद रखिए, जब आपके देश की स्थिति ठीक हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो आपके यहाँ विदेश नीति भी मतलब आपके यहाँ विदेशी व्यापार भी आते हैं, विदेशी कंपनियां भी आपके यहाँ आती हैं, लोग पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए भी आते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती भी मिलती है। और आप अपने आपको ही ले लीजिए, जहाँ कानून व्यवस्था ना हो, जहाँ कोई आपका भविष्य ना हो कि कब का क्या हो जाए, आप पर कब हमला हो जाए, कब आपकी मौत हो जाए, तो आप उस जगह कभी नहीं जाएंगे। आप उसी जगह को चुनते हैं जहां आपका परिवार सुरक्षित हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, शांति भरा जीवन हो। समझ रहे हैं? विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। जो हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं वो सभी देशों में फैले हुए हैं। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहां उनकी उपस्थिति की अधिकतम लाभ उठाना, इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के मुख्यतः चार महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से। भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना, ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास का लाभ पहुंचे। यह सुनिश्चित करना ही वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए और विभिन्न वैश्विक आयामों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके। विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना, उनकी हितों की रक्षा करना, ये सभी आपकी जो विदेश नीति है उसका उद्देश्य है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको बाहरी दुनिया से अच्छे संबंध रखना है तो पहले आपको अपने देश के अंदर जो भी नागरिक हैं उन सभी को एक साथ लेकर चलना होगा। आप उसी तरह देख सकते हैं कि आप एक गांव में रह रहे हैं, सबसे छोटे स्तर पर समझिए आप लोग, आपके पड़ोसियों से किसी से संबंध अच्छे नहीं है, सबसे बुरे हैं पूरे गांव से। आप सोचेंगे बाहरी लोगों से आप लोग संबंध बना लें, तो मुझे नहीं लगता है कि बाहरी लोग आपसे संबंध बनाएंगे, आपसे रिश्ते बनाएंगे। वो यही सोचेंगे कि जब आपकी अपने पड़ोसियों से नहीं बनती है तो मुझसे क्या बनेगी। तो सबसे पहले हमें अपने पड़ोसियों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, उसी के बाद ही हम लोग महाशक्ति बन सकते हैं। भारतीय विदेश नीति के अगर मूलभूत सिद्धांतों की बात करें तो पंचशील सिद्धांत। उल्लेखनीय है कि पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए भी किया गया है। पांच सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, पारस्परिक आक्रमण
सॉरी, पारस्परिक आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समता और आपसी लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना, यानी कि एक बहुत अच्छी छवि बना के रखता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत ने वर्ष 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सहभागिता की, जिसके तहत विकासशील देशों ने पश्चिमी व पूर्वी शक्तियों के समूह को समर्थन देने से इनकार किया। क्या हुआ कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध चल रहा था इस समय। एक समय आपकी अमेरिका महाशक्ति खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ आपका सोवियत संघ रूस था। सोवियत संघ था तो आपको अमेरिका ये चाह रहा था कि जो अभी नए नए देश आजाद हुए वो हमारी तरफ हो जाए। रूस अपनी तरह चाह रहा था। रूस आपका समाजवादी, मतलब समाजवादी था, इसकी नीतियां ज्यादा झुकाव और पूंजीवादी देश था अमेरिका। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि अभी हम लोग नए नए आजाद हुए। उससे पहले आपने देखा अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, और फिर हम अगर किसी गुट में शामिल हो जाते तो एक तरह से उनके भी गुलाम हम हो जाते। तो हम लोगों ने बीच का रास्ता चुना, गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर आपका गुजराइल डॉक्ट्रिन, वर्ष 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराइल की विदेश नीति संबंधी विचारों को लेकर बने सिद्धांतों को गुजराइल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसके तहत पड़ोसी देशों के की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के विचार को प्राथमिकता दी गई। फिर आपकी नाभिकीय सिद्धांत, भारत में ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 और द्वितीय नाभिकीय परीक्षण 1998 में किया। इसके बाद भारत अपने परमाणु सिद्धांत के सामने आए। इस सिद्धांत के अनुसार भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक भारत पर हमला ना किया जाए। साथ ही भारत किसी गैर नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम तब तक किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि वो हम पर हमला नहीं करता है। और हम लोग कभी भी जिनके पास परमाणु हम बम नहीं है या इस तरह की कोई नहीं है, तो हम लोग उस पर कभी भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, भारत की वर्तमान विदेश नीति की अगर हम बात करें तो वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत के विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए करीब आपका 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुंचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला करने करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें। इसमें ब्रिक्स एक संगठन है, इसमें आपका ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तत्पश्चात उन्होंने G20 देशों की प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने का सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी COVID-19 की महामारी से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया, जबकि एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्वहीन लग रहे थे। आपको पता होगा सार्क, कुछ दिन से इसकी सार्क की मीटिंग भी नहीं हुई थी, क्योंकि आप देख रहे थे किस तरह से आपके रिश्ते इसमें बहुत बुरे। आप लोग ने सुना होगा कि आप उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, बिम्सटेक पर। और याद रखिए जो सार्क है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका को बांग्लादेश में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है?
काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इसमें हम अगर सदस्यों की बात करें तो आपके इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे, आपको 8 मेंबर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? यहाँ आप जाएंगे तो अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान है। उसके बाद बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है आपका। भूटान, ये भूटान। इंडिया है ही आपका। मालदीप, यहाँ आपका मालदीप है, ये मालदीव। नेपाल भी है आपका, इसमें नेपाल भी है और पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, यहाँ भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 इसमें शामिल है, ठीक है, याद रखिए। और ब्रिक्स की बात करें तो ये आपके जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, रसिया हुआ करते थे, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, ठीक है। इन कूटनीतिक अनुबंधों के अतिरिक्त भारत ने विश्व का दवाखाना की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न जारी रखा। इसके लिए भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का निर्यात पूरी दुनिया को किया। एक समय आपने देखा होगा कि इसके पर लेकर इसे लेकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो भी एक चेतावनी देने लगे थे। वो मांग नहीं रहे थे, वो तो जबरदस्ती कर रहे थे इस दवा को लेने के लिए। विकसित देशों के साथ साथ भारत ने अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के कई देशों को इस अतिशय मांग वाली दवा का निर्यात किया। खाड़ी देशों के साथ भारत ने व्यापक स्तर पर अपनी मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया। जब कई खाड़ी देशों ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल दवाओं के निर्यात की अपील की, तो भारत ने इन देशों को दोनों दवाओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास किया। आपको पता होगा कि हम लोगों ने नेपाल की सबसे पहले अपने पड़ोसियों की मदद शुरू की थी, फिर भी आप देखिए कि नेपाल किस तरह से हमसे दूरी बनाने लगा। बर्मा सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की प्रथम पड़ोस और एक्ट ईस्ट की नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्स्टेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है। याद रखिए, बिम्स्टेक की बात करें अगर हम लोग तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देशों की बात करें, शामिल देशों की, तो आपको मैप्स में ले चलता हूँ। इसमें आपका भारत भी शामिल है, उसके बाद नेपाल भी इसमें शामिल है, भूटान भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है आपका, श्रीलंका भी शामिल है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपका थाईलैंड भी शामिल है। क्या है? थाईलैंड भी इसमें शामिल है, ठीक है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौतियां पेश कर रहे हैं। पूर्व में चीन के साथ संबंध सुधार की दिशा में अनौपचारिक शिखर वार्ताएं आयोजित की गई, परंतु चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले व वर्ष 2019 में पुलवामा में सैन्य काफिलों पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण है। श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हट रहे रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत और श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकालकर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है। और अभी आप जानते हैं कि श्रीलंका में जो सरकार बनी हुई है,
उसका झुकाव हमसे ज्यादा चाइना की तरफ देखने को मिलता है। मॉरिशस और सेशल्स की द्वीप द्वीप देशों की यात्रा और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ संबंध बनाने के अलावा भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत नींव बनाई हुई है। अगर हम लोग भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यही नहीं है कि अपने निकट पड़ोसी देशों आसियान और पश्चिम एशिया समेत सुदूर स्थित पड़ोसी देशों को किस तरह संभाला जाए, बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार संतुलित किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। आप लोग जानते हैं कि एक समय रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ रूस का झुकाव होता जा रहा है और हम अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव होता जा रहा है। देखिए, देशों से कभी स्थायी दोस्ती नहीं होती है। आज अमेरिका आपका साथ दे रहा है या फिर आपसे अच्छी दोस्ती निभा रहा है, तो एक ही कारण है कि वो चाहता है कि चीन को प्रतिस्थापित करना, यानी कि चीन को दबाना, उसके लिए आपकी वो मदद चाहता है। वरना वो अगर कल आपसे मतलब खत्म हो जाए उसका, तो कल आपको छोड़ देगा, समझ रहे हैं? तो हमें किसी भी देश के अपनी दोस्ती को लेकर फूलना नहीं चाहिए, हमें अपने आप पर डिपेंड होकर ही अन्य देशों से लड़ने की क्षमता रखनी चाहिए। चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत प्रभाव जमा किया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राय में बाधक बन सकता है। चीन की स्टिंग्स ऑफ पर्ल रणनीति उसकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इसमें चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला गया जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी मजबूत किया, जो भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब एक बात आप सोचिए कि यहाँ आपका पड़ोसी है, इससे हमारे रिश्ते ऑलरेडी खराब है, इससे हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं कह सकते आप लोग पूरी तरह से। बांग्लादेश आपका पड़ोसी है। अगर आप लोग देखते हैं कि नागरिकता संशोधन पर अगर आगे और कार्रवाई और इसके जरिए कार्रवाई करते हैं हम लोग, तो इससे भी रिश्ते बिगड़ते दिखेंगे। नेपाल जितनी बुरी से बुरी भाषा बोल सकता था, इससे जितने बुरे से बुरे हमारे रिश्ते हो सकते थे हैं। उसके बाद ये चाइना बैठा हुआ है। अब सोचिए, हमें इसने चाइना ने पूरी तरफ से फंसा दिया है, चारों तरफ से। आप समझ रहे हैं कि हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने और विविधता भरे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से भरोसेमंद और पुराने दोस्त रूस के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी वह स्थिति नहीं रही। आप भी जानते हैं कि कोई आपका अगर दोस्त है और कोई वो दोस्त आपके दुश्मन से हाथ मिला लेता है, तो आप उससे बुराई मान जाएंगे। यही हाल हुआ कि अमेरिका और रूस में कभी नहीं बनी है, आप जानते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि रूस बुरा मानेगा ही, जैसे आप लोग अमेरिका की तरफ झुकाव हमारा होगा। चीन की बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागरीय क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत का सहयोग मिल रहा है, लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है और आज भी इस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को पोषित कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए तेजी नहीं दिखानी चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे मुद्दों पर क्या कदम उठाता है। ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलित करना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न होने वाली शक्ति शून्यता की स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती उत्पन्न करेगी। अब आप सोचिए कि एक तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से डिपेंड हैं। अब आप सोचिए कि आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आप कितने आत्मनिर्भर भारत हैं?
हकीकत इसकी क्या है, उससे हम लोग कभी परिचित ही नहीं हुए हैं। आप सोचिए कि मतलब हमारे बाजार मार्केट है जो हमारा, इसमें चाइना का दबदबा कितना है। कई क्षेत्रों में तो आप देखते हैं 80% तक, 85% तक चाइनीज कंपनियों का दबदबा है। तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कैसे कर सकते हैं? आज आप चाइना को देखिए, उसका अपना यूट्यूब है, अपना सोशल मीडिया है, अपना विकिपीडिया है, और बाकी आप देखेंगे हमारे देश का तो हम लोग अन्य देशों पर निर्भर हैं। हम लोग इतने भी नहीं कर पा रहे हैं कि अपना पूरा खुद अपना डाटा सेव करें, जो भी डेटा होगा अपना, और अपने यहाँ का सब मतलब देसी बनाया जाए। देखिए, जब एक बात कहूँ कि मतलब देखिए, धर्म के नाम पर कभी आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। चुनाव जीत सकते हैं अगर एक समाज को लेकर आप लोग कटाक्ष करें दूसरे को, तो चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देश को आगे ले जाना होगा तो सबको एक एक बढ़कर कदम बढ़ाना होगा, समझ रहे हैं? इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? भारत की प्रथम पड़ोस की नीति अच्छी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति मौलच कर हम अपने सुदूर मित्रों की अवहेलना ना कर बैठे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान में अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, चीन, अमेरिका, अमेरिका, रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसलिए बीच बीच न सिर्फ राजनीति बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गए हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को कुछ समय के लिए अलग थलग करना सही हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल के लिए यह सही नहीं है। इसलिए वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है। और आप जानते हैं कि आप अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पड़ोसी को दूसरी जगह उठाकर रख दें, उसकी जगह दूसरा और ले आए। तो इसलिए अपने पड़ोसी से एक ही बेहतर होता है कि संबंध उससे सुधार लें। रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है, इसलिए अमेरिका से मजबूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक है। आप जानते हैं कि 1971 में आपने देखा होगा कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उस समय रूस ने हमारा साथ दिया था, तभी अमेरिका को हम लोग रोक पाए थे और हम लोगों ने आपका बांग्लादेश आजाद किया हुआ था। हमें भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय संवाद संवाद साथ संपर्क को और भी बढ़ाना चाहिए, या फिर बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्य वाले समूहों में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए। तो ये आपकी है पूरी विदेश नीति है, आपको बेहतर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है,